जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे जहन में अश्काल यह है कि सूरह माईदा की आयत नंबर सेकंड में जो अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान करा है, ताअवनु अलल बिर्री व तक्वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उदवान, तो इसके मुताबिक अगर कोई शख्स चाहे यूसेबल उसमें अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब अगर किसी ने लोन लिया है यूजेबल उसमें, और अगर जो शख्स दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो देने वाला है वो तो खैर गुनहगार है, और लेने वाला चूंकि उसको एक यूजेबल इंटरेस्ट मतलब वो पे करना है लोन के उस पर, लेकिन जाने अनजाने के अंदर वो इस उसूल के खिलाफ वर्जी कर जाता है कि वो जो है गुनाह के काम में ताउन कर रहा है, यानी तावन वो वाले किसी रिवत गुनाह के तक्वा काम वाला तावन वाले इस्मी वाले उद्वान में। वो किसी गुनाह के काम में तावुन नहीं कर रहा। तावुन तो ये होता है कि आप किसी गलत काम के बेनिफिट्स में शरीक हो। जैसे कोई आदमी चोरी करने के लिए निकला है तो आपने कहा कि 10 रुपए लेके मैं सीढ़ी फराहम कर देता हूँ, इससे तुम घर के अंदर जा सकते हो, या आपने उसके जुर्म को छुपाए रखा और दूसरों को नहीं बताया, या और कोई मदद की। हो सकता है कि दीवार पर चढ़ाने के लिए कंधा ही फराहम कर दिया हो, तो ताऊन इसको कहते हैं। एक आदमी अपनी जरूरत के लिए कर्ज लेने गया है, इस पे ताऊन कहाँ से आ गया? वो तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए गया है। इसी तरह से अगर खातून जो है अगर अपना हेड कवरिंग करती है और वो कोशिश करती है कि शैतान जो है उसके जरिए से, अगर वो निगाह के तीर जो है जिसके जरिए शैतान जो है इंसान को फहश पे उभारता है, तो उसको रोकने के अंदर अगर वो नेकी के काम में ताउन करने का तसव्वुर करके अगर वो अपने आप को एटलीस्ट हेड कवरिंग या वेल ड्रेस, तो खैर मॉडेस्टली तो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेस करना तो एक अच्छी चीज है, लेकिन इवन हेड कवरिंग वाला जो मैटर है उसमें अगर वो इस उसूल के ऊपर वो अपना काम करती है, तो कहीं ये सब चीज भी कुरान के मुताबिक ही है या इसके अंदर कहीं कोई। नहीं, इसमें तो किसी से ताउन का क्या सवाल है? इसमें तो अपने बारे में एक फैसला करना है। अपने बारे में आदमी जो फैसला भी मुनासिब समझे वो कर सकता है। हर खातून को हक है, हर मर्द को हक है। वो अगर अपनी हिफाजत के लिए या अपने आप को दूसरों की निगाहों से महफूज रखने के लिए कोई इकदाम करती है या करता है तो उसको पूरा हक है। इंसान अपने बारे में हर फैसला कर सकता है। अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया है तो उसके लिए तो अल्लाह ताला के कलाम ही से दलील देनी होगी या अल्लाह के पैगंबर की बात बतानी होगी। लोगों को अपने लिए क्या करना है? हम अपने घरों पर ताला लगा के रखते हैं, हम नहीं रखते। हम बाज मौकों के ऊपर खरीदो फरोख्त में बाज ऐसे इकदाम करते हैं जिनमें हमें एतमाद होता है, बाज जगहों पर नहीं करते। ये सब चीजें जिस तरह हम आम जिंदगी में अपनी सवाबदीद से करते हैं, ऐसा ही मामला ये है। अल्लाह का हुक्म है तो उसकी पाबंदी मुझे भी करनी है, आपको भी और किसी खातून को भी। तो इसमें तो कोई ताउन का मसला ही नहीं है। इसमें तो हकीकत में अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना है। वो जिस हद तक भी कोई करना चाहता है उसको रोकने की कोई वजह नहीं।